आप सरपंच हैं बड़ौदा कलां गांव के, सरकार ने ई टेंडरिंग प्रोसेस शुरू की है, तो आप बताएंगे ई टेंडरिंग से कैसे होता सर, जैसे हमने गांव में कोई काम कराना है जी, हम ग्राम सचिव के माध्यम से उनको प्रस्ताव देंगे जी कि हमें ऐसे ऐसे करके काम कराना है जी। तो वो प्रस्ताव डाल के हम टेक्निकल टीम को, जेई साहब को देंगे जी, वहाँ से हमारा एस्टीमेट बन जाएगा जी। एस्टीमेट बनने के बाद सर, तो जैसे अमाउंट 5 लाख से ऊपर चली जाई है, वो फिर हमारा टेंडर में चला जाएगा जी काम। तो टेक्निकल टीम उसको 7 दिन के अंदर अंदर टेंडर से कराने का काम करेगी। हाँ जी सर, सरकार ने पॉलिसी दी है जी, अच्छी पॉलिसी है, पारदर्शिता आएगी जी, काम में गुणवत्ता आएगी जी। और जो पहले एलिगेशन लगते रहते थे सरपंचों पे करप्शन के, उनके हाँ, बारे में वो सर ऐसा जी, गुणवत्ता आएगी जी, पारदर्शिता ऐसे होगी जी, टेंडर से काम हो गया जी, सरपंच के ऊपर इतना ना तो बर्डन रहेगा जी, कोई वो दिक्कत है नहीं जी। अभी आपने कौन सा रेजोल्यूशन पास किया हमने सर एक कम्युनिटी हॉल था जी, अपना है? छोटा भवन था, उसमें हमने एक छत की टाइल का जी और प्लास्टर वगैरह, फर्श का जी, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ये बनाने का एक प्रस्ताव दिया था जी, वो हमारा टेंडर में चला गया जी काम, सात कितने का? सात तो सात लाख 23 हज़ार के आसपास गया है जी। जैसे अब ये लगा नहीं है, एक ही बिड रहा था, अब ये दोबारा उसमें जाएगा, तो हाँ इससे जी भी तो देरी तो उतनी ही लग रही है फिर। हाँ सर, वो थोड़ा टाइम अगर कम हो जाए तो काम ये है कि जल्दी हो जाएगा जी, गांव का विकास कार्य तेजी से होंगे तो हम मतलब पंचायत को भी ये रहेगा कि हाँ, जैसे गांव वालों ने पंचायत को चुना है जी, तो एक वो सोचेंगे कि हमने सही डिसीजन लिया है जी, और सरकार की जितनी हमें सहायता मिलेगी जी, जैसे जैसे पॉलिसीज आ रही हैं जी, तो उसके बिल्कुल साथ हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मानदेय 3,000 से 5,000 कर दिया सरकार ने, तो इसके इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ठीक है इतना, या आप और इससे ज़्यादा मानदेय चाहते सर हैं? थोड़ा और कुछ बढ़ कितना तक जाए, मानदेय, कितना तक कुछ होना चाहिए? 15 या के आसपास कुछ हो पंद्रह जाए। हज़ार रुपये हाँ जी, आप कितना टाइम देते हैं क्योंकि आप इसके सर्विस के काम में, जितना टाइम लग जाता है? ऐसा है सर, जैसे हम सुबह से जैसे कोई काम जैसे आ गया सर, तो सारा दिन ही उसी में निकल जाता है, कहीं कई दिन तो है, कई बार ऐसा हो जाता है सर कि शाम को किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई किसी के कचहरी का काम आ गया, किसी के कोई प्रॉब्लम हो गई जी, तो सारा दिन और रात भी वहीं लग जाती है जी, काफी टाइम अंदर बाहर जाना लगता पड़ता है जी, कहीं पंचकुला चले गए, किसी से मिलने, कहीं कुछ हो गया जी, तो ये बड़ा रहता है जी है। अच्छा, काम जी। सरकार कहती है कि क्योंकि कुछ सरपंचों ने बहुत पैसा खर्चते हैं जी चुनाव में जीतने के लिए, जी तो वो चाहते हैं कि भी सारा पैसा उनको मिल जाए और वो खुद ही काम करवाएं, तो आपने भी काफी पैसा खर्चा किया नहीं सर, लेकिन। हमने कुछ नहीं सर, हमने तो नॉर्मली अपना जो है जी, अच्छा सरकार के जो गाइडलाइन थी उसी में हमने काम किया है जी, अच्छा कोई फालतू कोई खर्चा नहीं किया, कुछ वो नहीं किया जी। अच्छा हाँ जी तो जो पिछले सरपंच थे वो उन्होंने भी लड़ा था चुनाव यहाँ से? नहीं, अच्छा, नए मेंबर थे सर सब। सारे नए हाँ थे, जी, तो उनके पीछे कोई एलिगेशन वगैरह भी रहे, लगे रहे उनके जो पिछले नहीं सरपंच? नहीं सर, कुछ नहीं किया, ठीक था जी। भूपिंदर सिंह जी, हाँ आप जी, नानकपुर गांव मेरा के सरपंच हैं, हाँ जी, ई टेंडरिंग के आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं? देखो इसमें कोई सुधार होता है तो पक्ष में भी है, और जितने 10 के 10 महकमे में ये आते हैं पंचायत के अंडर, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, उनको जितना भी आएगा पंचायत के थ्रू आना चाहिए, पंचायत हाँ जी, के थ्रू ही काम होने चाहिए, पंचायत की देख रेख में होने चाहिए। जैसे अभी ई टेंडरिंग में काम हो गया, सरपंच को काम पसंद नहीं है, ये काम सही नहीं हुआ, सरपंच पेमेंट रोक देगा और वो जाके BDO से पेमेंट ले लेगा, तो सरपंच की क्या रही? हाँ तो जो अभी लिमिट है सरकार ने 2 लाख से 5 लाख की है, जी, ये आपको आपको आप कहाँ तक होनी चाहिए लिमिट? 20 तक होनी चाहिए कम 20 लाख से तक होनी चाहिए, और जो मानदेय है सरकार ने अभी 3,000 से 5,000 तक किया है, कम। हाँ जी, तो वो कहाँ तक होना चाहिए? ये भी बढ़ा के 20 20 तक तो होना बीस तक चाहिए। होना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि करप्शन होती है, एलिगेशन लगते हैं करप्शन के, तो ये टेंडरिंग बढ़िया है, उससे पारदर्शिता आती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो कोई टेंडरिंग का हमारा तो यही है भी, जो भी काम होते हैं पंचायत के थ्रू हुए और पंचायत की देख रेख में हुए, ठीक है। अब जो गांव में सरपंच ने लेना, कोई भी काम ठेकेदार करके चले गया और बाद में वो 2 4 दिन 10 दिन बाद हो गए खराब, तो सरपंच की जवाबदेही है, किसी को गांव वाले को नहीं पता है ये ठेकेदार के ई टेंडरिंग क्या है, गांव वाले को कोई नहीं पता ई टेंडरिंग का क्या है, वो तो कहेंगे तेरे को वोट दी है, तैने काम कराया, भाई गलत हो गया, तैने कराया। तो ये अभी जो ई टेंडरिंग की प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो आपने समझ लिया अभी या आपको इसको हाँ समझ? जी, हाँ जी, समझ लिया।
आज मुख्यमंत्री का जो विरोध किया गया, क्या मामला है सारा? और साथ में जब गांव में आपने बोर्ड लगाए हैं, क्या है मामला सारा? हम लोगों ने जो हमारा आंदोलन चला हुआ है गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, इसी के विषय में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता कहीं भी प्रोग्राम होगा तो हम लोग उसका डटकर विरोध करेंगे। आज मुख्यमंत्री का इशार प्रोग्राम था, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। और 2 तारीख से भी वाणी के अंदर मुख्यमंत्री के जो प्रोग्राम है, जो दौरे, उन दौरों का आप देखना, हम लोग जमकर विरोध करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ हुए। और ये जो बोर्ड लगाए हम लोगों ने, मेरे गांव से आज मैंने शुरुआत की है, ये पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव के बाहर लगाए जाएंगे। जब तक पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, तब तक सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता, बीजेपी और जेजेपी का नेता गांव के अंदर आता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। सार्वजनिक जगह पे कहीं भी इनको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई कार्यकर्ता इनका बुलाता है गांव के अंदर, तो बाहर उसका विरोध किया जाएगा मंत्री का। और अगर गांव का माहौल खराब होता है किसी नेता की वजह से, तो उसका जिम्मेवार वो नेता होगा। अगर फिर भी गांव में कोई आता है तो इन लोगों का, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का, जब तक पंचायती एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं होता और राइट टू रिकॉल विधानसभा में या लोकसभा में लागू करो पहले, उसके बाद सरपंच पे, ये भी इलेक्टेड बॉडी है और हम भी इलेक्टेड बॉडी हैं, या इसको निरस्त करें, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इन नेताओं का विरोध और बहिष्कार जारी रहेगा।